ये रिश्ता क्या कहलाता है। वरना सुहाना को उसकी जगह पे बिठाओ। सबसे पहले तुम न्यौछावर करोगी, फिर नजर उतारो और उसके बाद बारी बारी हम सब करेंगे। सुहासिनी जी, सविता जी कहाँ है, उन्हें बुलाइए ना। अरे हाँ, न्यौछावर से पहले बेटी के सर पे पल्लू तो वही रखेंगी ना। माँ, माँ, यहीं कहीं होंगी। माँ, माँ क्या हुआ आपको, सांस क्यों फूल रही है और आप रो क्यों रही है? किसी ने इन्हें कमरे में बंद कर दिया। हाँ? वो तो बाई चांस मैं वहां पर पहुंच गया वॉशरूम के लिए और मैंने इनके चिल्लाने की आवाज सुनी। किसी को आपने देखा क्या वहां पे? बताइए आप किसने किया है? हाँ आप बताइए सविता जी, किसने बंद किया आपको? नायरा ने। पर वो ऐसा क्यों करेगी? मैं जानती थी कि मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन सच यही है कि नायरा ने मुझे स्टोर रूम में बंद किया था, ताकि मैं किसी को ये ना बता सकूं कि सुहाना के असली गहनों की जगह उसने नकली गहने रखवा दिए। ये क्या कह रही हैं आप सविता जी, दिमाग खराब हो गया है आपका? जो जी मैं कही जा रही हैं। नायरा ऐसा क्यों करेगी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, आप बेकार में उस पर इल्जाम लगा रही हैं। उसने ऐसा क्यों किया ये तो वो ही जाने स्वर्णा जी, मुझे बस ये पता है कि मैं जो कह रही हूँ वो सिर्फ सच और सच है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस सच को साबित करने की कोशिश कर सकती हूँ। नहीं माँ, प्लीज। नहीं सुहाना, मत रो। माँ प्लीज, आप सही। पागल हो गए क्या आप लोग? हम सब जानते हैं नायरा को, हमारी नायरा ऐसा कर ही नहीं सकती। दादी, इनकी बातों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या? आप तो खुद अपनी वाइफ के साथ मिले हुए हैं, तो आप तो ऐसा ही कहेंगे ना। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है फाइन, आप लोगों को चेक करना तो कर लो, पर कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ ठीक है, कर लेने दीजिए कोशिश, हम भी देखते हैं क्या दिखाएंगे ये। ठीक है, गहने नकली होंगे तो आग की गर्मी से काले पड़ने शुरू हो जाएंगे और इसके मोती भी पिघल जाएंगे। ध्यान से देख लिया ना, ये सब नकली है ना? ये सब नकली है, जो असली वाले हैं वो नायरा के लोग। सुपर। जैसे सिखाया वैसे ही करना, ओके? पक्का तूने वो गिफ्ट स्टोर रूम में छुपाया ना? हाँ। अच्छो की आवाज़।
क्या सबूत दिया है? बहुत अच्छे। ये क्या है सविता जी, क्यों झूठा इल्जाम लगाया आपने हमारी नायरा पर? ये आपने बहुत गलत किया है सविता जी, हमारी नायरा कभी किसी के साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती है। और उसे किस चीज की कमी है जो वो ऐसी घटिया हरकत करेगी? आप अभी हमारी रिश्तेदार बनी भी नहीं और आपने हमारे परिवार पे फूट डालना शुरू कर दिया। कहीं आप हमें नायरा के खिलाफ करने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? इस घर का एक एक सदस्य जानता है कि नायरा किसी के लिए कुछ भी कर सकती है। सविता जी, आप जरूर गलती से कमरे में बंद हुई। गलती नहीं है, नायरा ने बंद किया मुझे स्टोर रूम में। और इस बात को भी आप बिल्कुल वैसे ही साबित कर दीजिएगा जैसे नकली गहने वाली बात को साबित किया था। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। माँ को पक्का कोई गलत फहमी हुई है। मैं जानती हूँ नायरा भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। माफ कर दीजिए भाभी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब नहीं नहीं सुहाना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी बड़ी है, अगर उन्होंने मुझे कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, मैं बुरा थोड़ी ना मानूंगी, स्पेशली आज के दिन जब घर में फंक्शन है। मैं नहीं चाहती किसी का भी मूड खराब हो। अब चलिए रस्म की तैयारी शुरू करते हैं। रिलैक्स सुहाना, इतनी टेंशन चेहरे पे दिखेगी तो पक्का किसी न किसी को शक हो जाएगा। जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, अगर सोचना ही है तो उसके बारे में सोचो जो आगे होने वाला है। क्योंकि जो जितना बुरा करता है ना, दूसरों के लिए जितना बुरा सोचता है, उसके साथ भी उतना ही बुरा होता है। I'm sorry विनय जी, आपको वेट करना पड़ा। इन अ वे अच्छा ही हुआ, आपको कुछ भी बताने से पहले मेरा खुद भी श्योर होना जरूरी था। वो लड़की सुहाना जो आप लोगों के साथ रह रही है, वो वही लुटेरी दुल्हन है जिसके बारे में मैंने वो सारे आर्टिकल्स लिखे थे। मतलब रेशम? पर ये तो सुहाना नहीं है। फिर से देखिए और गौर से। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास केवल यही एक फोटो है इस लड़की की, पर मेरे आर्टिकल्स में उन लोगों का जिक्र और उनके स्टेटमेंट्स हैं जिनको इस लड़की और उसके गैंग के मेंबर्स ने लूटा था। कोई पैसों के लिए इस हद तक भी जा सकता है? आज तो वाटी लग जाती, बच गए बस किसी तरह। ये नायरा ना हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कैसे उल्लू बना दिया हम सबको। इसका तो मैं सर फोड़ दूंगी, सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी इसकी, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। चुप चुप, क्या कर रही हो तुम? सारे फैमिली वाले यहाँ पर हैं, अगर किसी ने देख सुन लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे देख लेने दो, ईगो को चैलेंज किया इसने मेरी, उसका जवाब तुम्हें दे के रहूंगी। अरे शान शान शान, सभी बताइए इसे थोड़ा ठंडा शरबत वरबत पिलाओ ताकि इसका दिमाग ठंडा हो, वरना आज हम सब जेल जाएंगे। अभी सिर्फ कार्तिक और नायरा को शक हुआ, इससे पहले बाकी फैमिली वालों को शक हो, हमें अपना काम करके निकल जाना। ये रिश्ता क्या के?